हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, मेरे को आज ऐसा लगता है कि जितने भी छात्र हैं या फिर अधिक से अधिक छात्रों के मन में जो भ्रम है वो यह भ्रम बना हुआ है कि जो अप्रैल में परीक्षा नहीं होगी। बहुत से छात्रों के मन में यह भ्रम बना हुआ है कि जो परीक्षा है, जो पेपर रह गए हैं, वो अप्रैल में नहीं होगी और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। बहुत से छात्रों के मन में है, क्योंकि मेरे को कैसे पता चला है, क्योंकि कमेंट में भी बहुत आ रही हैं। कमेंट में क्या आ रहा है कि सर, जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में नहीं होंगी। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में ही होंगी, और आप इस बात के भ्रम में ना पड़ें कि जो परीक्षाएँ वो अब नहीं होंगी। परीक्षाएँ होंगी। बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जो गैप मिले हैं ना, ये 10 दिन के बीच में, यानी 20 तारीख से आपके गैप मिले 31 तारीख तक, उनमें छात्र पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वीडियो है ना, वीडियो केवल 700 या 800 बच्चे ही देख रहे हैं। कहाँ वीडियो 1000-10000 बच्चे देखते थे, आज वीडियो देख रहे हैं केवल 700 और 1000 के बीच में बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं। 1000 से 700 वीडियो बच्चे जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, और कहाँ वीडियो, एक दिन में 10000 बच्चे वीडियो देखते थे, आज 700 से 1000 बच्चों वीडियो देख रहे हैं। बताइए कितना फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क बहुत पड़ रहा है भाई। जहाँ अब देखिए, 10 गुना फ़र्क पड़ रहा है। 10 गुना 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं अब, कहाँ देखते थे 10000 एक दिन में। तो सोचिए, यह फ़र्क इसी बात का है कि बहुत से छात्रों के मन में यह भ्रम है कि जो परीक्षा है वो अब होंगी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो परीक्षाएं वो होंगी। देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो कमेंट है, बहुत से छात्र कमेंट भी कर रहे हैं कि सर, जो परीक्षाएं वो एग्ज़ाम में अब नहीं होंगी आगे। देखो, इसमें आपको लिखा है कि टैक्स एंड फन, इन्होंने कमेंट किए एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होंगे। इन्होंने यह कमेंट किया है कि एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होंगे। मैं आपको और भी ऐसी कमेंट बता देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए। और देखो, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप मन लगाकर पढ़िए। देखो, मैं आप जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको जो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको गैप नहीं मिलेंगे, ज़्यादा गैप नहीं मिलेंगे। एक दो दिन के गैप मिल जाए तो मिल जाए, उन्हें आपको एक दिन के गैप मिलेंगे, 2 दिन का भी नहीं मिलेगा गैप। प्रत्येक एग्ज़ाम में पहले आपका बायोलॉजी का पेपर हो सकता है, उसके बाद मैथ का होगा, उसके बाद केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो आप इस भ्रम में ना पढ़ें कि आपके जो पेपर हैं वो अप्रैल में नहीं होंगे। ज़रूर होंगे पेपर अप्रैल में, और अच्छे से पढ़ाई करें। जैसा जब दिखाई दे रहा था, जिससे पहले पेपर रिजेक्ट नहीं हुए थे तब बच्चे पढ़ रहे थे, जिस प्रकार बच्चे अब नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि व्यू का रिटेक्शन है, यानी बहुत से बच्चे हैं वो अब वीडियो को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि व्यू कम आ रहे हैं, बच्चे बहुत कम वीडियो देख रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं। इसीलिए पढ़िए। देखो, इसमें आपको कमेंट बता देता हूँ, यह भी कमेंट जो है, जो किया बच्चे ने, कि कोरोना लेवल 3 पर है और कोरोना कम होता नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है पेपर के। स्टेप क्या लिखा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें इनका नाम है टेक सम फन, इनके चैनल का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, और इनकी जो कमेंट से 3 बच्चे सहमत हैं। तो देखिए, बच्चे इस बात के भ्रम में हैं। मेरे को लगता है जो स्टूडेंट है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, हाँ सर, हम लोगों को टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात क्या है, बताइए। आपको इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मन लगाकर पढ़िए। ऐसा मत समझिए कि आपके एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे। मैंने आपके लिए इसीलिए यह वीडियो बनाई है क्योंकि जो बहुत से बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। जो आपके गैप मिले हैं इन दिनों में, जो आपके 10 दिनों के गैप मिले हैं 20 तारीख से 31 तारीख तक, उन गैपों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से। तो मैं आपको बता दूँ, आप सभी पढ़ें और आपके जो पेपर हैं वो होंगे, और जल्दी आपका टाइम टेबल आने वाला है, 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर में आपका टाइम टेबल आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, बहुत से बच्चों के मन में कब होंगी परीक्षा, तो आपका 1 या 2 दिन में टाइम टेबल आ जाएगा। और आपकी जो, हाँ एक और बात है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होंगी वो आपकी बहुत ही इजी होंगी, ठीक है, कोई हार्ड कॉपी चेक नहीं होगी, सबको पास किया जाएगा और सबकी कॉपी इजी चेक होंगी, ठीक है। और जो जो कुछ भी अगर आप लिख कर अगर आए होगे आप, तो आपको नंबर दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको नंबर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि पेपर एग्जाम में यानी अप्रैल में नहीं होंगे, वह बच्चे आगे पढ़ सकें, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो को वह देख सकें और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको गैप नहीं मिलेंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको गैप नहीं मिलेंगे, बाद में फिर आप पछताओगे, फिर कहोगे सर हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट दे दो क्वेश्चन। इसीलिए भाई प्रार्थना हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपया करके मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।